कल आप एक कंबाइंड मीन, इसका क्वेश्चन भी आ जाता है, किस तरीके से आता है कंबाइंड मीन का क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पे। जैसे मान लीजिए कंबाइंड मीन में एक एग्जांपल आपको ले लें, इसमें लाइटिंग कम है क्या, अभी क्या गड़बड़ क्या है, इधर आना बैठ। चलिए देखिए, तो इसमें इस टाइप के कंबाइंड मीन का क्वेश्चन जो इधर बीच में अगर हम देखें कि कुछ वर्षों में पूछा गया, तो इस टाइप का सवाल आ जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझें, कंबाइंड मीन में कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट है और इनका एवरेज पॉकेट मनी जो है, एवरेज पॉकेट मनी 35 रुपीस है। सपोज एक क्लास में टोटल स्टूडेंट 100 है और इनका औसत जेब खर्च जो है वो 35 रुपया है। अगर ये मान लिया जाए कि लड़कियों का पॉकेट मनी 25 रुपये है और लड़कों का सपोज पॉकेट मनी 50 रुपये है, तो आपसे पूछ रहा है कि क्लास में टोटल लड़कियों की संख्या कितनी है। हम कंबाइंड मीन को यहां पर अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। एक क्लास में टोटल बच्चे 100 हैं, ध्यान दीजिए टोटल 100 स्टूडेंट हैं, उनमें से लड़के और लड़कियां दोनों ही होंगी, जिनमें से उस पूरी क्लास का जो जेब खर्च है, औसत जेब खर्च जिसमें लड़के लड़कियां सब शामिल हैं, वो 35 रुपए है। क्वेश्चन आप समझ रहे हैं ना। अगर लड़कियों का मान लिया जाए कि जेब खर्च 25 रुपया है और लड़कों का जेब खर्च 50 रुपया है, तो आप बताओ कि क्लास में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो ऐसे देखिए दो चीजें आई, कल हम आप क्या बता रहे थे कि आपके पास दो सीरीज होती हैं और दोनों सीरीज को जब कंबाइंड और दोनों सीरीज का इंडिविजुअल एवरेज हमको पता होता है। कल आपको एक फार्मूला बता रहे थे, x बार इज इक्वल टू एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार होल अपॉन एन वन प्लस एन टू बताया था। तो बेटा जो ये फार्मूला कल बता रहे थे कि एवरेज इसका मीन निकालना है, x बार इक्वल टू एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार होल अपॉन एन वन प्लस एन टू, ये आपको अंकल फार्मूला बता रहे थे। अगर दो सीरीज हैं, दो से ज्यादा है तो भी एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, ऐसे भी बताया था आपको। तो यहां पर ये देखना है कि अगर एक क्लास में टोटल स्टूडेंट जो हैं वो हमारे पास हैं 100, इनमें से इनका औसत जेब खर्च 35 रुपया, लड़कियों का औसत जेब खर्च 25 रुपया, लड़कों का औसत जेब खर्च 50 रुपया, तो आपसे पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या बताओ या लड़कों की संख्या बताओ। तो अगर हम इस फार्मूले को अप्लाई कर दें, यहां से हम ला सकते हैं, तो देखिए ये टोटल स्टूडेंट तो हमारे पास 100 हैं। अगर हम यहां पर ले लें सोल्यूशन, देखिए कि लेट करें कि लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, तो वो x है, मान लिया कि लड़कियों की संख्या x है, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स
यहां हमने मान लिया ये एक्स है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, हाँ 100 माइनस बॉयज हो जाएंगे 100 माइनस एक्स, ये बात समझ में आ गई आपको। लड़कियों का जो जेब खर्च है वो 25 रुपया है और लड़कों का जो है वो 50 रुपया है। याद करिए कल जब हम आपको दो सीरीज एक साथ ले रहे थे ऐसे करके, ध्यान आपको आ रहा होगा, तो हमने कहा था नंबर आप स्टूडेंट अगर एन वन है और इनका एवरेज जो है वो एक्स वन बार है, ये एन टू है तो इनका एवरेज जो है वो एक्स टू बार है, तो हमने कल ये फार्मूला अगर कंबाइन कर दें तो एक्स बार इक्वल टू एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार होल अपॉन एन वन प्लस एन टू। अब सेम यही चीज फार्मूला यहां लगा दीजिए, तो अब आपको x बार इक्वल टू ये वैल्यू तुम्हारे पास n1 हो गई, ये वैल्यू तुम्हारी n2 हो गई, इसका एवरेज कितना है लड़कियों का 25, तो फार्मूला लगाइए n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार होल अपॉन n1 प्लस n2। n1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x लेट किया है और x1 बार इनका कितना है 25, इसका मतलब 25x प्लस n2 कितना है 100 माइनस x और इनका एवरेज कितना है 50, तो 50 इंटू 100 माइनस x होल अपॉन n1 प्लस n2, इन दोनों को जोड़ोगे तो अपॉन 100 आया और इक्वल टू कितना दिया इसका टोटल एवरेज 35। बिल्कुल सही, थर्टी फाइव। अब अगर हम इस पूरे को सॉल्व कर दे तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी, इसको सॉल्व करें तो किसकी वैल्यू आएगी बताइए, कितनी आई एक्स की वैल्यू 60। तो इसका मतलब लड़कियों की जो संख्या है क्लास में वो 60 है और लड़कों की संख्या जो क्लास में है वो 40 है, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कंबाइंड मीन का। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कल आपको ये लास्ट में हमने बताया था कंबाइंड मीन के बारे में कि जब दो या दो से अधिक सीरीज को आपस में कंबाइंड कर देते हैं और कंबाइंड करने के बाद में फिर उसका एवरेज, यहाँ पर हमें क्या क्या जानकारी होती है एक्चुअल में, एक तो ये एन वन पता होता है उसका हमें एवरेज पता होता है, एन टू पता है उसका एवरेज पता है, ये इंडिविजुअल एवरेज पता है। अब इन दोनों, ये सीरीज हमारे पास ए थी, ये सीरीज बी थी, अब इन दोनों को हमने कंबाइंड कर दिया, कंबाइंड करने के बाद में एवरेज पूछ रहा है, तो यहां पर लड़कियों की संख्या कितनी निकल आई 60 और लड़कों की संख्या निकल आई, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 60, ये 3500 हो जाएगा। चलिए देखो थोड़ा कर देते हैं, तो ये 3500 हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो करके इज इक्वल टू ये 25x हो गया, यहां पर ये करेंगे तो 50 यानी 5000 और माइनस 50x हो गया, ठीक है ना, ये उधर जाएगा तो माइनस का कितना 1500 ये बचेगा और यहां से 25 बचेगा, इसका मतलब 25x इक्वल टू 1500 आया। अब आप x की वैल्यू निकालोगे तो 1500 अपॉन 25 और इक्वल टू होता है 60 और ये लड़कियों की संख्या निकल आई 60 और लड़कों की बची 40। इस प्रकार से अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे करेंगे, ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन हो गया। और वैसे भी अगर आप चाहें तो इस तरीके का फार्मूला ना अप्लाई करके जैसे अरिथमेटिक में करते हैं, कोई कह रहा है कि 100 स्टूडेंट हैं, अब अगर ये 100 स्टूडेंट हैं तो देखो टोटल 100 इनका एवरेज 35 ऐसे देखो, तो कंप्लीट जो हो गया वो 3500 हो गया, क्योंकि आपको पता है एक का 35 है तो 100 का 3500 हो गया। अगर लड़कियां x हैं तो लड़के 100 माइनस x हैं, अब दोनों के एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो, लड़कियों का एवरेज 25 यानी 25x प्लस लड़कों का 50 कितने हैं 100 माइनस x लड़के और टोटल कितने हैं 100।
अब यहां से आप इक्वल टू एवरेज 35 ऐसे करके भी सॉल्व कर देंगे, जल्दी से आ जाएगा, जैसा भी आपको लगे वैसे कर सकते हैं। वैसे लगा फार्मूला ये कंबाइंड मीन का है, तो ये क्वेश्चन याद रखिए, हमने पूरा क्वेश्चन लिखाया नहीं आपको, ऐसे ही बता दिया है, आप अपने हिसाब से इसको नोट कर लीजिए कि क्लास में 100 स्टूडेंट, लड़कियों का एवरेज इतना, लड़कों का इतना, टोटल क्लास का एवरेज इतना, तो हमें बताना है लड़की या लड़कों की संख्या, तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्लियर, सभी को समझ में आ गई ये बात। अब हमने मीन के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ लिया, हमने मीन भी पढ़ लिया, मोड भी पढ़ लिया और मीडियन भी पढ़ लिया, यानी ये तीनों क्या थे, ये सब सेंट्रल वैल्यू थी। सेंट्रल वैल्यू क्या होती है, हम आपको बता चुके हैं कि तमाम सारी वैल्यूज में जो एक वैल्यू से हम रिप्रेजेंट करें वो वैल्यू हमारी सेंट्रल वैल्यू। जैसे सारे बच्चे इतने बैठे हुए, यहाँ पर कोई एक मॉनिटर हो जाए, या इस क्लास का कोई हेड बन जाए, या इस हाउस का कोई एक हेड बन जाए, वो जो एक हेड हो गया वही हमारी सेंट्रल वैल्यू है। अब आगे आइए नेक्स्ट देखते हैं, अब है आपका मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन डिस्पर्सन अभी क्या पढ़ा था, सेंट्रल टेंडेंसी। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या पढ़ा था, मीन, मीडियन, मोड। मीन में भी तीन चीजें पढ़ी थी, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्पर्सन। ये क्या है, इसकी क्या जरूरत है, डिस्पर्सन को क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है। फिर से एक बार जरा सेंट्रल वैल्यू पे चलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी पे, सेंट्रल टेंडेंसी क्या पढ़ा था, एक मीन पढ़ा था यहां पर, और क्या पढ़ चुके, मीडियन, इसके बाद यहां पर हमने मोड पढ़ा था, ये तीन पढ़े थे। मीन को हमने तीन हिस्से में बांट दिया था, एक एएम, एक जीएम और एक एचएम, इतना हम पढ़ चुके सेंट्रल टेंडेंसी में। पांच यूनिट अगर वहां देखे तो तीन है, मीन को तीन हिस्से में। अब इसी प्रकार डिस्पर्सन में भी हमें पांच यूनिट्स पढ़नी है। यहां क्या क्या पढ़ना है देखिए जरा ध्यान से, एक हमें पढ़ना है रेंज, दूसरा पढ़ना है क्वार्टाइल, डेविएशन, तीसरा हमें पढ़ना है मीन, डेविएशन, चौथा हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बड़ी यूनिट इंपॉर्टेंट है। पांच नंबर में हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, वेरिएशन। अब हमें पांच यूनिट ये पढ़नी है, जरा ध्यान दीजिए, ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे पांच यहां पर हम पढ़ के आए, वैसे रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन। क्लियर, ये सारी वैल्यू रिलेटिव वैल्यू है, रिलेटिव मतलब एब्सोल्यूट है ये, और क्या बता दें, सेम यूनिट। जरा इस बात को देखिएगा ध्यान से, अभी हम आपको डिटेल में समझाते हैं, डिटेल में इसके बारे में आपको बता रहे हैं। यूनिट सेम है, सेम यूनिट, एब्सोल्यूट वैल्यू है। फिर हमें इसी में पढ़ना है इसी सेम चीज, देखिएगा जरा, नंबर एक कोफिशियंट ऑफ रेंज, सब कुछ यही लिखेंगे, बस कोफिशियंट लगा देंगे आगे,
कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, अब देखिए भाई यहां पर फिर हमें ये पांच चीजों, पांच ये यूनिट समय फिर पढ़नी है, ध्यान से देखिए, जो उस साइड में लिखा है सेम वही लिखा है, बस यहां पर हमने कोफिशियंट लगा दिया है, इनका क्या मतलब है हम सब समझेंगे, और ये है क्या चीज, क्या इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, ये डिस्पर्शन है क्या चीज पहले तो ये जाने, और डिस्पर्शन की हमको जरूरत क्यों पड़ रही, जब हमने मीन डेविएशन सेंट्रल वैल्यू मैंने पढ़ लिया है, मीन में, मीडियन में, मोड में, सब में हमने सेंट्रल वैल्यू पढ़ ली है, तो फिर हमें यहां पर इसकी डिस्पर्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है, तो पहले हमें जानना है डिस्पर्शन, और ये है मेजर ऑफ डिस्पर्शन करने का तरीका, यानी मेजर ऑफ, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये पूरा आप कह सकते हो मेजर ऑफ डिस्पर्शन, हाँ अभी क्या हिंदी में बताते हैं बेटा, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन का मतलब, ये तो अंग्रेजी का एक शब्द बोलते हो, जरा डिस्पर्स होके बैठ जाओ, थोड़ा डिस्पर्स हो जाओ, डिस्पर्शन का मतलब स्कैटर्ड हो जाओ, स्कैटर्ड का यहां पर मतलब ये हो गया कि थोड़ा जिसे फैलाओ, थोड़ा वेरियंस हो, वेरी हो जाओ, डेविएट हो जाओ, थोड़ा अलग अलग हो जाओ, डेविएशन हो जाए, यानी डिफरेंस कह दो सरल भाषा में, डिस्पर्शन को अगर हम दूसरा नाम दे दें तो क्या नाम दे सकते हैं, स्कैटर्ड, एक प्रकार का स्कैटर्ड हो जाओ, स्प्लिट हो जाओ, अलग अलग हो जाओ, थोड़ा फैलाव हो आपके बीच में, बात समझ रहे हैं ना, यह डिस्पर्स शब्द नहीं आप जानते हो क्या, डिस्पर्स बहुत ज्यादा ऐसे क्लोज बैठो तो सभी बोल देते हैं ना, थोड़ा अलग अलग बैठ जाओ, डिस्पर्स हो जाओ, तो ये डिस्पर्शन का हमारा मतलब हो गया थोड़ा आपके बीच में डिफरेंस हो जाए, फैलाव हो जाए, स्कैटरिंग आपके बीच में हो जाए, स्कैटर्ड होकर के बैठ जाओ, यहां पर इसको हम डिस्पर्शन बोलते हैं। सवाल यह है कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, जब हमने सेंट्रल वैल्यू निकालने के लिए बढ़िया सा तरीका मीन मीडियन मोड पढ़ लिया था, तो अब हमको इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है, कि जो हम सेंट्रल वैल्यू लेते थे वो, जैसे हमारे पास कोई दो सीरीज है या एक सीरीज है, उसकी सेंट्रल वैल्यू से उस सीरीज की वैल्यू के बीच कितना डिफरेंस है, डिस्पर्स कितना है, क्योंकि जो जिसका डिस्पर्शन कम होगा, जिसका डिस्पर्शन बहुत कम होगा, लेस होगा, वो उतनी स्टेबल सीरीज होगी, जिसका डिस्पर्शन बहुत ज्यादा होगा उतना ही वो अनस्टेबल होगी, तो हमें यहां चेक करना है कि हमारी सेंट्रल वैल्यू से डिस्पर्शन कितना है, कम है, ज्यादा है, औसत है, हाई है, वेरी हाई है कि लेस है, ये सारा कुछ, और जितना ही कम डिस्पर्शन होगा, एक बड़ी सरल भाषा में, जैसे तुम लोग कोई बहुत क्लोज बैठे हो और एक दूसरे से अपनी बात कहना चाह रहे हो तो बड़े आसानी से कह लोगे, एक यहां है, एक आपका 500 मीटर दूर है, तो वो बात डिस्पर्शन ज्यादा हो गया, और जो बहुत क्लोज है तुम्हारे उसको अपनी बात कहने का एक आसान तरीका है, कहने का मतलब उसको हम इजिली अपनी बात को कह पाएंगे, जो बहुत दूर है उसको हमें और ज्यादा डिस्पर्शन हो गया, एक सरल भाषा में, या जरा हम एक डेटा के अनुसार समझाएं फिर हम आपके डिटेल पे जाएं, जैसे डिस्पर्शन इंडिविजुअल सीरीज है कोई, सपोज एक हमारे पास 2 है, 4 है, 9 है, ऐसे करके एक डेटा है, इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी सेंट्रल वैल्यू से इन वैल्यूज का कितना डिफरेंस है, तो हमने इसकी सेंट्रल वैल्यू निकाल ली, आप बताइए सेंट्रल वैल्यू क्या होगी, बैठे बैठे बोलिएगा, अपना पहले नाम बताइएगा,
एसवीर जी बताइए इसका सेंट्रल वैल्यू कितनी होगी? 4। इन्होंने बताया कि इसकी सेंट्रल वैल्यू 4 है, तो 4, 2, 6, 9, 15, 3 यानी सेंट्रल वैल्यू 5 है, 4 नहीं है बेटा। दैट इज व्हाई आई चेंज योर प्लेस, और कोई मतलब नहीं है, वी डोंट हैव इंटेंशन, कोई हमारा इंटेंशन आपकी तरफ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचना, आई एम नॉट एंग्री विद यू, ना मेरी कोई कंप्लेन है आपसे, बट एक्चुअली आई चेंज योर, हमारा बदलने का मतलब यही था कि यू आर नॉट टेकिंग मोर इंटरेस्ट देयर, दैट इज व्हाई। सेंट्रल वैल्यू कैसे निकालते हैं? सेंट्रल वैल्यू होती क्या? मीन। सेंट्रल वैल्यू है क्या? एवरेज। एवरेज है क्या? सम ऑफ ऑल टर्म्स। हमने फार्मूला बताया था एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो जरा सबको टोटल करो, तो 4, 2, 6, 9, 15 डिवाइड बाई जितने टर्म्स हो 3, 15 से 3 को हमने डिवाइड कर दिया तो 5 आया, वो सेंट्रल वैल्यू होती है, राइट, ना कि 4 है। अच्छा सेंटर, तुमने सेंटर की वैल्यू को देख के सेंट्रल वैल्यू बता दिया, इसने 4 बीच की वैल्यू देखी। कल मैंने ऐसा कहा था कि द मोस्ट मिडिल वैल्यू को देख करके मीडियन बता देते हैं, यस्टरडे कल जो हम आपको बता रहे थे उसमें मोस्ट मिडिल वैल्यू को देख करके क्या बता देते हैं? मीडियन। हमने मीडियन नहीं पूछा था, हमने पूछा था सेंट्रल वैल्यू क्या है, यानी एवरेज इसका क्या है, तो एवरेज इसका 5। अब देखो बेटा जरा हमारी बात समझना कि हम डिस्पर्शन क्यों बताना चाह रहे हैं। हमने इसकी सेंट्रल वैल्यू कितनी निकाल ली? 5। अब देखिए 2 से 5 के बीच डेविएशन कितना, ये जरा शब्द सुनना, ये बार बार शब्द आएंगे, डेविएट कितना हो रहा है, वेरिएट कितना हो रहा है, डिस्पर्स कितना हो रहा है, फैलाव कितना हो रहा है, तो देखिए 2 से 5 के बीच 3 है, तो बहुत ज्यादा भी नहीं कह सकते और बहुत कम नहीं, एक एवरेज इनके बीच का डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन जब 4 से इसको हम देखेंगे तो डेविएशन बहुत लेस है, इसका मतलब 4 हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ 4 पर जो वैल्यू देख रहे हैं वो हमारे मीन वैल्यू से, सेंट्रल वैल्यू से या एवरेज से बहुत कम डिफरेंस में है, इसका मतलब ये स्टेबल ज्यादा है। यहां देख रहे हैं तो थोड़ा और दूरी बढ़ गई 9 के साथ, तो ये जो डिफरेंस देख रहे 2 का 5 से 4 का 5 से 9 का 5 से, यही डिस्पर्शन है, ये जो फैलाव देख रहे हैं, इनका अंतर देख रहे हैं, इनका डिफरेंस देख रहे हैं, उसको हम आपसे बोल रहे हैं कि ये डिस्पर्स। अब यही हम मेजरमेंट करेंगे कि किसी दो सीरीज से या एक जो भी इंडिविजुअल सीरीज होगी वो हमारी सेंट्रल वैल्यू से कितने डिस्पर्स पर है, कितने वेरिएट पे है, कितना उनके बीच वेरिएशन है, इस चीज को यहां पर हम मेजरमेंट करेंगे, उसे डिस्पर्सन बोलते हैं। और बेहतर एक एग्जांपल देते हैं, जय देखिएगा आप यहां से आपको ज्यादा अच्छा एग्जांपल मिल जाए। सपोज हम कोई 3 सीरीज ले लें, एक हमारे पास सीरीज है सपोज 100, 100, 100, 100, 100, एक सीरीज हम ले लेते हैं 98, 99, 100, 101, 102, एक सीरीज ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 490, ये सीरीज नंबर ए, सीरीज नंबर बी, सीरीज नंबर सी, ये हमने 3 सीरीज आपको दिखा दी। एग्जांपल देखिए, हम देखना चाह रहे हैं कि इनमें तीनों सीरीज में सबसे स्टेबल सीरीज कौन सी है, तो हाँ जी बिल्कुल सही, इसका मतलब बच्चे हमारी बात को समझ रहे, उन्होंने अगर ये कह रहे तो वास्तव में स्टेबल है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी सेंट्रल वैल्यू ले लेते हैं, सेंट्रल वैल्यू एक्स बार होती है, तो देखिए सेंट्रल वैल्यू का मतलब सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाई जितने नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल 500 हुए पहले में, कितने हुए, और 5 से डिवाइड कर दिया, तो देखिए इसका तो सेंट्रल वैल्यू 100 आ गई, यानी एक्स बार इसका 100 आ गया, दूसरे वाले को भी टोटल किया तो 500, अरे भाई 98 से 102 को ऐड करोगे तो 500, और फिर इसको भी 5 से डिवाइड लगा दिया,
तो इसकी भी सेंट्रल वैल्यू 100 आ गई और लास्ट वाले को भी ऐड किया तो 500, तो इसकी भी सेंट्रल वैल्यू हमारी 100 आ गई। बताओ भाई, सबकी सेंट्रल वैल्यू हमारी 100 है। अब हम ऑब्जर्व कर लेंगे, बड़े आसानी से पता लग जाएगा कि कौन सी सीरीज में डिस्पर्शन कम है, किसमें ज्यादा है, और ये यहां पर हम ये भी पता कर लेंगे कि कौन सी सीरीज हमारी ज्यादा स्टेबल है और कौन सी अनस्टेबल है। कौन सी सीरीज हमारी ज्यादा कंसिस्टेंट है, कौन सी सीरीज हमारी इनकंसिस्टेंट है, हम ये भी पता कर लेंगे। हम स्टेबिलिटी पता कर लेंगे, हम इसकी कंसिस्टेंसी पता कर लेंगे कि कौन कितनी कंसिस्टेंट है। देखिए मीन, अब आप देखिए ये 100 जब इसका एवरेज देखा या सेंट्रल वैल्यू देखा, तो इसके जब ऑब्जर्वेशंस को हमने ऑब्जर्व किया तो देखिए सब बराबर। इसका मतलब यहां पर जो डिस्पर्शन है हमारा, डिस्पर्शन जो है वो तो जीरो डिस्पर्शन है, बिल्कुल डेविएट नहीं हो रहा, मतलब मोस्ट स्टेबल सीरीज, बहुत अच्छी, डिस्पर्शन है ही नहीं, यानी डिस्पर्शन जीरो है। यहां पर जब हमने देखा तो ये 100 है, 100 के करीब करीब सारे ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं। ये हमारा कितना निकला है मीन 100 और ये कितना है 98, तो बहुत ज्यादा है, इनका बीच में अंतर तो नहीं दिख रहा ना आपको। इसका मतलब लेस डिस्पर्शन है, यहां कितना है, यहां लेस डिस्पर्शन है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनके बीच में, बहुत स्कैटरिंग सीरीज नहीं है। इसका मतलब लगभग ये भी स्टेबल दिख रही है, लेकिन जरा इससे कंपेयर करो, इससे इसको कंपेयर करके देखिए, बड़ा हाई डिस्पर्शन, कहां 100 कहां 1, कहां 100 कहां 490, इसका मतलब बहुत ज्यादा डिस्पर्शन है, इसका मतलब वेरी हाई। ये डिस्पर्शन कितना दिख रहा है, वेरी हाई। ये तीनों से आप ये समझ पाए कि हमारी कौन सी सीरीज का डिस्पर्शन कम, किसका बिल्कुल नहीं, किसका बहुत ज्यादा। इसी तरह के मेजरमेंट को हम डिस्पर्शन इन यूनिट के द्वारा मेजर करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, रेंज के द्वारा, क्वार्टाइल डेविएशन के द्वारा, मीन डेविएशन के द्वारा, स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा और वेरिएशन। अब जो ये मेजरमेंट करते हैं तो बेस्ट मेजरमेंट कौन देता है, ये सवाल हमारे इंडियन पूछ देते हैं। अगर हमारे पास ये है, चार यूनिट दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि बेस्ट मेजरमेंट किसका। भाई कई बार मेजरमेंट को भी तो आप बेस्ट और बता देते हो कि वर्स्ट है, ये ज्यादा अच्छा नहीं। जैसे आप पैथोलॉजी पे आपने कोई ब्लड की टेस्टिंग कराई, अब किसी पैथोलॉजी में आपने सैंपल दे दिया, अब उसने आपकी रिपोर्ट दे दी, तो कई बार आप ही कहते हो यार ये रिपोर्ट लग रहा गलत है, इसने सही नहीं रिपोर्ट दी। चलो हम किसी बेस्ट पैथोलॉजी पे जाते हैं, उसकी रिपोर्ट ज्यादा अच्छी आती है, उसकी जांच ज्यादा अच्छी होती है, ऐसा हम लोग बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, या इस डॉक्टर ने हमको ये बता दिया, चलो और अच्छे से डॉक्टर के पास जाते हैं शायद उसके। तो कहने का सेंस, ये जो हम देख रहे हैं इनमें से सबसे अच्छा मेजरमेंट किसका होता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है। इसमें सबसे एक्यूरेट, जिसमें एरर ज्यादा ना हो, वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, हमें बेस्ट मेजरमेंट देता है। प्रोबेबल एरर तो सब में हो सकती है, 100% हम ट्रू नहीं कह सकते, ना मीन में, ना मीडियन में, ना मोड में, थोड़ी बहुत एरर हो सकती है, लेकिन एक बेस्ट तो हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट मेजरमेंट के लिए यूनिट अच्छी है, सबसे अच्छी अपनी यूनिट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें कौन सा सबसे बेस्ट देता है, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, ये सबसे बेस्ट, यहां पर आपका ये सबसे अच्छा। स्टैंडर्ड डेविएशन और यहां पर हम कह सकते हैं कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन। ये प्रश्न पूछता है आपसे
इनमें चार ऑप्शन देगा, बताइए कि कौन सा हमें मेजरमेंट इसमें किससे वैल्यू एक्यूरेट, आप ये समझ रहे हो ना बेस्ट मेजरमेंट की जो हम बात कर रहे हैं। जैसे हम कोई ये फार्मूला लगाएंगे वहां से भी आंसर आएगा, इसका लगाएंगे वहां से भी आएगा, रेंज से भी आएगा, लेकिन सवाल उठता है कि सबका सबसे अच्छा कौन है, एक्यूरेट कौन सा है। आप समझ गए होगे ना, तो उसमें आप कह सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट है, और इधर आप कह सकते हो कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन बेस्ट है। अब जरा आइए ये दोनों, एक्चुअली ये दो चीजें आपने एक जैसी क्यों लिखी, एक तरफ आप उसकी वैल्यू लिख रहे हो, उधर बस कोफिशियंट लगा दिया सभी के साथ, ये क्या चीज है। एक्चुअल में ये हमने कहा सेम यूनिट है, और यहां हम एक शब्द कह सकते हैं कि ये यूनिट फ्री है। वाह भाई, ये तो बहुत पूछ देते हैं, इनमें से कौन सी यूनिट फ्री है, कौन सी सेम यूनिट। अब जरा इस बात को ध्यान दीजिएगा, सेम यूनिट और यूनिट फ्री से क्या आपका मतलब है। एक्चुअल में ये रिलेटिव हमारे मेजरमेंट है और ये एब्सोल्यूट मेजरमेंट है, इनको हम कह सकते हैं ये एब्सोल्यूट मेजरमेंट है और ये रिलेटिव है, रिलेटिव मेजरमेंट है, मेजरमेंट। इसका क्या मतलब है सर, ये क्या बता रहे हैं कि ये एब्सोल्यूट है ये रिलेटिव है। एक कोई चीज एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट समझते हो ना, वो उसकी रिलेटिव वैल्यू है। चलिए, जितनी एब्सोल्यूट होती है वैल्यू, ये मेजरमेंट जो आप पांच देख रहे हो ये सारी एब्सोल्यूट है, और जो एब्सोल्यूट है उनकी यूनिट हमेशा सेम होती है। कहने का मतलब जैसे हमारी दो सीरीज दे दी गई, ध्यान दीजिए, हमको कोई दो सीरीज दे दी गई और हमसे कहा गया इसका डिस्पर्शन आपको निकालना है, तो हमें देखना यह होता है कि उन दोनों सीरीज में यूनिट क्या है। मान लीजिए एक सीरीज की यूनिट दी है किलोग्राम में और एक सीरीज की यूनिट दी है क्विंटल में। अगर दोनों सीरीज हमारी किलोग्राम में दी है, बात आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, कोई डेटा है उसकी यूनिट होती है, हर एक की एक यूनिट होती है। आपका वेट होगा तो हम लीटर में थोड़ा बताएंगे कि ये 50 लीटर इसका वेट है, सबकी अपनी एक प्रॉपर यूनिट है ना। तो भैया जो एब्सोल्यूट वाले होते हैं इनकी सबकी सेम यूनिट होती है, इसमें हमें बिल्कुल देखना है। अगर इसकी सीरीज दी है तो लीटर में है तो लीटर में दोनों होंगी, मीटर में है तो दोनों मीटर में होंगी, दोनों क्विंटल में है तो क्विंटल में होंगी। हमें यहां पर इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सब के सब सेम यूनिट की होती है, दो सीरीज होंगी, हमें दोनों को कंपेयर करके निकालना है इनका मेजरमेंट, मतलब डिस्पर्शन निकालना है, तो हमें ये बिल्कुल नहीं देखना पड़ता है यहां पर कि इसकी यूनिट क्या है इसकी यूनिट, क्योंकि दोनों की सेम यूनिट होती ही है। नहीं आया समझ में। लेकिन जब ये समस्या आपकी सीरीज में आ जाए कि एक सीरीज क्विंटल में दी है और एक सीरीज किलोग्राम में दी है, अब देखिए दोनों की यूनिट अलग अलग हो गई, दोनों की यूनिट अलग अलग हो गई, तो ऐसे केसेस में हम इनका फार्मूला यूज करते हैं, कोफिशियंट लगा करके फार्मूला यूज करते हैं, क्योंकि ये यूनिट फ्री होती है। इसका आंसर आने के बाद मुझे यूनिट से कोई लेना देना नहीं कि 40 आंसर आया, ये किलोग्राम है कि मीटर है कि लीटर है कि क्विंटल है कि डेकामीटर हेक्टोमीटर क्या है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सब के सब यूनिट फ्री होती है। तो यहां पर आपसे प्रश्न क्या, इतना ये सब पूछेगा कि सवाल को हल करो, नहीं, आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी यूनिट फ्री है, आप टिक करिए। याद रखना जो एब्सोल्यूट होती हैं वो सेम यूनिट की होती हैं, इनमें से कौन सी सेम यूनिट की हैं, जो सेम यूनिट की नहीं है वो ऑप्शन अलग कर दो। तो ये पांचों सेम यूनिट हैं और ये यूनिट फ्री हैं, इस तरीके से थ्योरेटिकल सवाल क्वेश्चन कैसे होंगे वो आगे हम बताने जा रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। हमारे पास बेस्ट मेजरमेंट डिस्पर्शन में कौन देता है, स्टैंडर्ड डेविएशन देता है। हमारे पास रिलेटिव वैल्यूज में कौन बेस्ट देता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देता है। इस तरीके की बातें मुझे याद रखना है, क्वेश्चन कैसे होना है वो मैं अभी बताऊंगा।
तो अल्टीमेटली मेरे समझ में आ गई कि अब हम ये डिस्पर्शन क्यों पढ़ रहे हैं। सेंट्रल वैल्यू में ऐसी कोई समस्या नहीं थी, मीन मीडियन मोड में मुझे कोई भी ऐसी समस्या मीन मीडियन मोड में नहीं दिख रही थी। बड़े आसानी से हम क्वेश्चन को हल करके उसकी सेंट्रल वैल्यू निकाल रहे थे, चाहे वो इंडिविजुअल की थी, चाहे डिस्क्रीट की थी और चाहे कंटिन्यूअस की थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि हमें यह देखना पड़ रहा कि वो सीरीज हमारी कितनी स्टेबल है, कितनी अनस्टेबल है। एक हमारी सेंट्रल वैल्यू से वो जो ऑब्जर्वेशन है वो कितने डिस्पर्शन पर है, उनके बीच में कितना फैलाव है, इस चीज को हमको यहां पर देखना पड़ रहा है और इस तरीके से हम मेजरमेंट करेंगे। तो ये सारी बात तो अब क्लियर हो गई, आगे एक एक करके आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी से। जैसे बात करें यहीं पर पहले रेंज की, कर लें आपसे बात हो। ये हमारे डिस्पर्शन की, ये हमारे डिस्पर्शन की सबसे आसान यूनिट होती है। कौन सी? रेंज। इससे हमें आंसर निकालना सबसे आसान होता है क्योंकि ये बड़ी इजीली ढंग से इजीएस्ट है कैसे रेंज निकालना है। तो देखिए, अगर एक डेटा है आपके पास 2, 5, 7, 9, 13, 18, 25, 30, ये इंडिविजुअल सीरीज है। आप सब जानते हो कि जो अनग्रुप्ड डेटा होता है जिसमें आपका फ्रीक्वेंसी नहीं होती है वो सारी की सारी इंडिविजुअल सीरीज होती हैं, और जिनके साथ फ्रीक्वेंसी होती है वो ग्रुप्ड डेटा होता है। मैं कई बार बता चुका हूं ये अनग्रुप्ड डेटा की सीरीज, मतलब हमारी इंडिविजुअल सीरीज। अब आपसे पूछेगा इसकी रेंज बता दो, तो रेंज का सीधा सा भाई, जो सबसे स्मॉलेस्ट हो, जो सबसे लार्जेस्ट हो, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट को घटा दीजिए, वही तो रेंज होती है। अगर हम कहें कि साइन थीटा की रेंज बता दीजिए, तो आप साइन थीटा की रेंज बता देते हो माइनस वन से लेकर के प्लस वन तक। तो माइनस वन क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट है। प्लस वन क्या है? सबसे लार्जेस्ट है। वही तो रेंज बोलते हो। आपने एक बॉल को ऐसे फेंक दिया तो जहां से फेंका वहां तक गई, जहां तक आखिरी तक गई, वो उसकी रेंज हो गई कि यहां तक बॉल हमारी गिरी आकर के। तो इसका जब हम निकालते हैं रेंज, तो फार्मूला होता है रेंज इक्वल टू L माइनस S। L का मतलब लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ योर डेटा और S का मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ योर डेटा। अब लार्जेस्ट वैल्यू यहां 30 है, हमारे डेटा पे लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है और स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है? तो हमारा आंसर हो गया 30 माइनस 2 इक्वल टू 28। आप कहेंगे सर ऐसा क्या सवाल पूछ देगा वो, इतना आसान सा? हाँ जी पूछते हैं, कहते हैं इस डेटा का लार्जेस्ट वैल्यू बता, वो रेंज बता दीजिए। अगर पूछते हैं तो बता दीजिए, क्या दिक्कत है? सबसे लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू को घटा दीजिए, वही आपका होता है, क्या होता है? रेंज। अब ये जैसे कई बार जब अलग अलग ढंग से ये हमने एक सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। वो तो इंडिविजुअल में कोई भी हो सकता है क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में कोई सीक्वेंस तो इंपॉर्टेंट होता नहीं है। तो आपको पूरे डेटा में से देखना पड़ता है ध्यान से कि सबसे लार्जेस्ट कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट को घटा दीजिए, बस आपका आंसर करेक्ट। लेकिन अगर वो कहता है कि इसका कोफिशियंट ऑफ रेंज बताइए, तो जब कोफिशियंट ऑफ रेंज पूछे तो फार्मूला देखिए, एल माइनस एस करिए, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट को घटा दीजिए, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट को जोड़ दीजिए और इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये निकल आया कोफिशियंट ऑफ रेंज। फार्मूला क्या हुआ? एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस होल अपॉन सॉरी इनटू 100। और याद रखना ये जितने हम निकालेंगे ये सब में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसके आगे कोफिशियंट लगा हुआ है, क्योंकि ये फिर परसेंटेज को बताने लगता है। ये जितनी भी आपकी यूनिट फ्री है रिलेटिव वाली, इन सब की जब भी हम वैल्यू निकालेंगे तो सब में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे परसेंटेज। जैसे हम इसका जवाब देना चाहें तो क्या देंगे, देखिए जरा, एल वैल्यू हमारी कितनी थी, लार्जेस्ट 30
माइनस टू अपॉन 30 प्लस टू इंटू 100 28 अपॉन 32 इसको 4 से या जिससे भी कैंसिल कर दिया तो जो यहां से हम आंसर देंगे तो वो हम परसेंट में बोल देंगे इसका जो भी सलूशन आएगा आप उसके बाद बोल दीजिए ये वैल्यू आई इतने परसेंट इसका मेजर निकला इसकी जो रेंज का हमने डिस्पर्शन निकाला वो इतने परसेंट आ गया। अब चूंकि कोफिशियंट लगा के आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 100 से मल्टीप्लाई हमारा उसी में होता है जिसमें कोफिशियंट होता है तो ये सब यूनिट फ्री हैं। मैंने बताया कि ये क्या है यूनिट फ्री मतलब आपको लिखना ही नहीं है कि मीटर है कि लीटर है कि एक कुछ नहीं जो वैल्यू आई वही आंसर क्योंकि ये सारे के सारे यूनिट फ्री हैं जो भी आ गया वो आंसर आ गया। ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को समझ में आ गई यानी रेंज भी हम समझ गए कोफिशियंट ऑफ रेंज भी समझ गए। इसके बाद आता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन को बेसिकली क्यू से हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू। इसको सानू पानी पिला दो भैया बहुत